अभी मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ गाउन। हम बनाएंगे वेलवेट का गाउन। वेलवेट के गाउन के लिए आपने शोल्डर से लेके अपने पाँव तक पूरी लेंथ ले लेनी है, फिर उस लेंथ को डबल कर देना है। मेरे पास जो लेंथ है वो है 52, तो 52 को मैं कर दूँगी बिल्कुल डबल। और उसके बाद कोई कटिंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। अच्छा, अब हमने 52 इंचेस के दो लेंथ्स काट ली हैं। मैंने और इसके अलावा कुछ नहीं काटा, ये एज इट सीधा सीधा कपड़ा है। सबसे पहले हमने इसका सेंटर फाइंड आउट किया। सेंटर करके हमने इसका यहाँ पे सेंटर का निशान लगाया। निशान लगाने के बाद हमने इसका वी शेप गला बना लिया है, वो मैंने यहाँ पे लगा रही हूँ। और उसके बाद मैं इसका गला बना लूँगी। बैक और फ्रंट में एक ही जैसा वी शेप गला बनाऊंगी। फ्रंट जो है वो थोड़ा सा हैवी डीप होगा और बैक जो है वो ज़्यादा डीप नहीं होगा, लेकिन दोनों का एक ही जैसा बनाना है। अभी मैं ये दोनों गले बना के फिर आपको दिखाती हूँ। गला हमारा बन चुका है, ये हमारा फ्रंट गला। फ्रंट और बैक दोनों हमने एक तरह से गले बना लिए हैं। अब हम रखेंगे इसके ऊपर और शोल्डर्स को हमने आपस में जोड़ लेना है। ये रहा, ये हमने रखा, ये हमारा बैक गला है, ये हमारा फ्रंट गला है। और ये हमने यहाँ से एक कॉर्नर से लेके पूरा शोल्डर टू शोल्डर इसको आपस में जॉइन कर लेना है। दोनों साइड्स को हम आपस में जॉइन कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। अब हमने सेंटर में यहाँ पे देनी है चुन्नट्स, तो चेस्ट से थोड़ा नीचे आनी चाहिए। हमने मेजरमेंट किया तो ये तकरीबन 14 इंचेस पे आएंगी, 14 या 15 पे आप लगा लें। अब हमने सबसे पहले यहाँ पे मिडल का निशान लगाना है। दोनों साइडों से हम इसको काट लेंगे। ये हमारे हैं 45 का हम हाफ करेंगे तो 22.2 आ जाएगा। 22.2 हमारा आ गया यहाँ, ये हमारा आ गया सेंटर, ये हमारा सेंटर आ गया है ये। और इस जगह पे अब हमने इसको करनी है, यहाँ पे हम एक लाइन लगा लेंगे ताकि हमें इजी हो। यहाँ पे बाद में हमने डालनी है चुन्नट्स। ये फ्रंट पे हमने लगा दिया, ऊपर से हमने इसका डिफरेंस रखता है 15 इंचेस पे, यहाँ पे 15 पे। बैक साइड भी इसी तरह हम करेंगे, बैक साइड पे भी। ये आ गया हमारा 15 और ये स्ट्रेट, इसको यहाँ लेके जाएंगे स्ट्रेट लाइन। ये हमारा एक रफ सा आइडिया आ गया, ये हमारा मेन सेंटर पॉइंट आ गया यहाँ पे। अब हमने इस तरह से करके तो हमने यहाँ पे चुन्नट्स डाल लेनी है थोड़ी बड़ी ऐसे, और इसके ऊपर हमने लगा लेनी है सिलाई। और ये तकरीबन हमारी डलेंगी 8 चुन्नट्स, 4 इस साइड से एंड 4 इस साइड से। अब हम इसको लगाएंगे सिलाई। मैं इसको पिंस नहीं लगा, इसको स्टिच करने लगी हूँ। आप अगर प्रॉब्लम हो आपके लिए, ये हमारी एक साइड पे 4 चुन्नट्स हो गई हैं। अब हम इसी को ऊपर से जाएंगे दूसरी साइड पे, ये हम दूसरी साइड पे लगा रहे हैं। ये भी यहाँ पे भी हमने 4 अपनी कंप्लीट करनी है। ये 1, ये हमारी चुन्नट्स आ गई हैं बनके फ्रंट, ये
फ्रंट साइड है, बैक साइड है। यहाँ ये फ्रंट साइड की हमारी चुनरियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। फोर की डायरेक्शन हमने इस तरह से रखी है, सेंट डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड सेंटर रखनी है हमने। फोर इस साइड पे डली, फोर इस साइड पे डली, और ये आगे हमारी चुनर्स कंप्लीट हो चुकी हैं। सेम इसी पैटर्न पे हम बैक साइड पे अब चुनर्स बना लेंगे। ये हम डालने लगे हैं बैक साइड पे चुनर्स, इसको डायरेक्ट रखें नीचे। हमारा सेंटर पॉइंट यहाँ से हमने लिया स्टार्ट। ये मैंने दूसरी साइड्स पे भी चुनर्स कंप्लीट कर ली हैं, फ्रंट बैक चुनर्स बिल्कुल कंप्लीट हो गई हैं। अब हम जाएंगे गोटा लगाना है हमने सारे का सारा। अब पहले हम बाजू का निशान लगा लेंगे कि हमने कितना बाजू रखना है। अब हमने इसको सीधा रख लिया है। साइड्स अब हमने करनी है इसकी बंद। बाजू का हम रखेंगे कि बाजू हमने यहाँ से कितने खुले रखने हैं, तो हम रख रहे हैं तकरीबन 8 इंच। 8 इंचेस पे आपने निशान लगा लेना है। यहाँ पे ये एक साइड पे हो गया, बैक पे भी आपने लगा लिया, और यही सेम बाजू का निशान जो है वो आप दूसरी तरफ लगा लेंगे। हमने 8 इंचेस पे निशान लगा लिया। नीचे से भी हमने निशान लगा लेना है कि हमने चौक कितने बड़े रखने हैं। ट्रेंडी गाउन है इसलिए अब हमने इसके चौक जो हैं वो बहुत बड़े नहीं रखने। मैं बिल्कुल छोटा चौक रखूँगी और मैं रखूँगी तकरीबन 13। ये मैंने 13 इंचेस पे निशान लगा लिया। 14 इंचेस पे निशान लगा लिया क्योंकि नीचे से भी अभी वो फोल्ड होगा। 14 इंचेस पे मैंने निशान लगाया एक इधर। 14 इंचेस दोनों साइड्स पे हमने चॉक्स का निशान लगा लिया है। और अब हम क्या करेंगे कि जो ऊपर हमने बाजू का निशान लगाया था और नीचे चौक का निशान, वहाँ पे हम सिंपल सिलाई जो है वो यहाँ से इसको करेंगे उल्टा। बाजू का जहाँ से हमने ये निशान लगाया था, यहाँ से लेके नीचे चौक के निशान तक हम इसको बंद कर देंगे। सीधी सीधी स्ट्रेट सिलाई लगा लेनी है। गोटा, ये गोटा हम इस तरह से लगाएंगे कि ये बाजू है और बाजू और बाजू के एक सिरे से नीचे से मैंने यहाँ से शुरू किया। यहाँ से बाजू से घुमाते हुए यहाँ शोल्डर से लाते हुए मैं बैक पे लेके जाऊँगी, साथ साथ फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये हमारा तैयार हो चुका है, ये हमारा बैक। अब हमने जहाँ चुनट्स डाली थी वहाँ पर हमने लगा दिए हैं छोटे छोटे मोटिव्स जो बाज़ार में आराम से मिलते हैं। ये देखें, ये फ्रंट साइड देख लें, दरमियान में हमने लगा दिया है मोटिव, ये देखें नीचे लैस, और ये देखें कितना खूबसूरत हमारा ट्रेंडी गाउन तैयार हो चुका है। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और पहने हुए किसी भी फंक्शन में, रिसेप्शन में आप बहुत अच्छे से पहन सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत लगता है और ये बहुत इकोनॉमिकल तैयार हुआ है।